हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ अच्छेदा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना लहसुन प्याज के आलू टमाटर, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप व्रत में भी बना सकते, खा सकते हो, जिसमें अन्न के मंजूरी होती है खाने की, जिसमें अन्न खाया जाता है उसमें आप बना सकते हो। और अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, उसमें भी आप सत्यनारायण की कथा करके उसमें आप सबको खिलाते हो परिजनों को, तो वो उसमें भी आप बना के बगैर लहसुन प्याज के खिला सकते हैं। इसमें आप और भी अपने मन की सब्जियां डाल सकते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए, दो टमाटर या टमाटर आप और ले लीजिए जितना खट्टा चाहते हैं, अदरक का टुकड़ा 1 इंच। इसका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। ये आलू उबाल के रखी हुई है और ये 2 तेज़पत्ते, जीरा, मेथी। मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मेथी तड़के में नहीं जाएगी, मेथी को ऐसी डालेंगे। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला और ये काली मिर्च, इसी से ही सारा स्वाद आ जाएगा। और इसके साथ हम बनाएंगे अजवाइन की पूरी। ये आटा ले रखा है मैंने, यह अजवाइन को क्रश करके इसमें डाल देंगे और नमक थोड़ा, इसको हम पान में छान लेंगे। देखिए इधर तेल हमने थोड़ा भुना था मैंने, इसमें हम ये जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने लग जाएगा, फिर हमने जो पेस्ट तैयार किया काली मिर्च के साथ डालेगा जितना आपको पसंद है। मेथी गई सब हम लास्ट में डालेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और नमक भी। आप एक टमाटर काट के भी डाल सकते हो, चाहे तो आप वैसे भी डाल दीजिए बिना काट के भी डाल सकते हो। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी सब्जी है और लाइट मसाले की है, जैसे हैवी हो जाना लाइट खाना है आप इस तरह ना खाइए। पराठे के साथ, रोटी के साथ किसी चीज़ भी साथ आप खा सकते हैं। पता है एक टमाटर इसमें और रहता है, अभी रोल रहा है और इसमें खाली है। इस सब्जी को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस सूखते ही हल्का सा, और इसमें हम पानी मिला देंगे, इसमें मसाला लगा पानी मिला देंगे। आप इसको कुकर में भी बना सकते हो, कढ़ाई में इतना अच्छा स्वाद आता है। बस ये सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, 10 से 15 मिनट में इसको हम ढक के पका लेंगे और हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। अब हम ये आटा अजवाइन का छान लेते हैं, इससे और सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन के रेडी है, अच्छा कलर आया है। अब इसको हम हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, इसका टेस्ट और स्वाद और बढ़ जाए। अब मेरा मन एकदम लाइट खाने का था, तो मैंने कहा यही वीडियो डाल देते और यही बढ़िया सा और टेस्टी सब्जी भी है। ठीक है, चलो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आलू टमाटर साथ हम अजवाइन की धनिया बेल लेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ। बाद में पूरी निकालिए, बढ़िया दोनों तरफ से एकदम
तो बारिश वगैरह में बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो ये सब्जी तो बेस्ट है, ये समझ लीजिए यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है ग्वाइन की पूरी, और इसके साथ हरा मिर्चा ऊपर से वो आ गया ना मुझे पन छू के। बारिश हो रही है और ऐसी सब्जी हो और ऐसा आलू टमाटर हो और ऐसी पूरी हो, गर्मा गर्म आ जाए कि मज़ा आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, आलू टमाटर की बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। आप इसी तरह घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छी खट्टी खट्टी, और हरी मिर्ची है वाह, और इसके साथ ये अजवाइन की जो पूड़ी है ना, ये इसके साथ और जच रही है। आप अगर टमाटर नहीं तो इमली का भी पेस्ट डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। गाइस, आपको ये डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करिए प्लीज़। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक यू गाइस, बाय।